मध्य प्रदेश के बढ़वा के ग्राम बागोद में घर के किचन में मिला अंडरग्राउंड शराब का तहखाना। छोटी सी टाइल्स के नीचे बड़े से गड्ढे में शराब के क्वार्टर निकालते आबकारी विभाग के कर्मचारी, जिसमें अंग्रेजी शराब, रॉयल स्टेज वोदका और कच्ची शराब की बोतलें बरामद की गई। आपको बता दें, आबकारी ने छापा मार कार्यवाही के दौरान बेहद रोचक मामला सामने आया है। आबकारी विभाग को घर के किचन में फ्रिज के नीचे मिला शराब का बड़ा तहखाना, बड़ी मात्रा में कच्ची शराब, अंग्रेजी शराब की बोतलें मिली है। आरोपियों ने धारदार हथियार और मिर्च पाउडर से टीम पर किया था हमला, फिर खुद को कर लिया घर में कैद। दो आरोपी छत से भागे, दो महिलाओं को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 85 किलोमीटर दूर बढ़वा के पास बलवाड़ा थाना क्षेत्र के बागोद में आबकारी विभाग ने अवैध शराब विक्रेता शेखर उर्फ सिकंदर जायसवाल एवं शैलेंद्र उर्फ नाना जायसवाल के घर में छापामार कार्रवाई की है। छापामार कार्रवाई में दोनों आरोपी घर के अंदर ही थे। उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए अमले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसके बाद घर के चैनल गेट पर ताला लगाकर खुद को अंदर कैद कर लिया। आबकारी की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद जब अमले ने ताला तोड़ा तो मौका पाकर दोनों आरोपी छत के रास्ते से भाग निकलने में सफल हुए। आरोपियों ने रसोई घर में रखे फ्रिज के नीचे 3 फीट गहरा व 3 फीट चौड़ा गड्ढा बना रखा था। एक छोटी सी टाइल्स के नीचे 2 बोरियों में कच्ची शराब, अंग्रेजी महंगी शराब, वोदका, रॉयल स्टेज जैसी बोतलें छिपा कर रखी गई थी। दल ने 180 बोतल जब्त की है। आपको बता दें, किचन में ही तलाशी के दौरान 2 बोरियों में 320 क्वार्टर देशी शराब भी पाई गई है। इसके बाद पुलिस ने शैलेंद्र एवं शेखर समेत 2 महिलाओं दीपिका एवं प्रिया के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। दोनों महिला आरोपियों को खरगोन के न्यायालय में पेश किया गया है। उसके बाद जिला जेल खरगोन में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जबकि शेखर एवं शैलेंद्र की तलाश जारी है। संवाददाता भूपेंद्र सेन की रिपोर्ट। आज सुबह मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि सिकंदर नाम के एक व्यक्ति के यहाँ भारी मात्रा में शराब का संग्रहण हो रहा है, और सूचना यही प्राप्त हुई थी कि पूरे परिवार के लोग जो है, दोनों दो भाई हैं, वो शराब का परिवहन करते हैं और घर में महिलाएं शराब का विक्रय का काम करती हैं। तो प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला कंट्रोल रूम खरगोन को सूचित किया गया। वहाँ से एक दल का गठन किया गया और कुछ स्टाफ खरगोन से रवाना हुआ, कुछ हम लोग महेश्वर, दत्त महेश्वर, भिकंगाँव, सनावत का स्टाफ के साथ में सीधे बागोद पहुँचे करीबन 7:30-8 बजे के आसपास। वहाँ पे जैसे हम पहुँचते हैं तो आबकारी दल को देखते ही सिकंदर और उसका भाई नाना, शैलेंद्र उर्फ नाना, उन्होंने दरवाजा चैनल गेट बंद कर लिया, अंदर से ताला बंद कर लिया और गाली गलौज करने लगे, विवाद उत्पन्न करने लगे। धारदार हथियार से उन्होंने हमला करने का प्रयास भी किया तो आबकारी दल ने सख्ती से उनको ताला तुड़वाया। इसी कार्रवाई के दौरान में दोनों छत के रास्ते से भागने में सफल हो गए, फरार हो गए। और घर में जो महिलाएं भी जो शराब का बेचने का काम करती थी, 2 महिलाएं हमें वहां पे मिली। उनके अधिपत्य से हमने किचन में एक चेंबर निकला फ्रिज के नीचे, उस चेंबर्स में से 180 पाव देसी मदिरा जब्त की। और किचन में ही ऊपर रैक पर 2 बोरियाँ रखी थी, उसमें एक में 150 पाव और एक में 170 पाव, कुल 500 पाव देसी मदिरा के पाव जब्त किए, 90 बल्क लीटर, जिसका बाजार मूल्य करीबन 35,000 रुपये है। दो महिलाओं जो थी वहाँ हमें मिली थी, एक का नाम दीपिका और एक का नाम प्रिया, उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके दोनों के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी 34(2) के तहत उनको प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा के लिए खरगोन जेल भेजा। और फरार आरोपियों के विरुद्ध भी हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया, उन जिनकी तलाश जारी है।